जयपुर समेत देश विदेश में लोकप्रिय हो चुके सिटी पार्क में अब एंट्री फीस देनी होगी। सुबह 9 बजे बाद पार्क में प्रवेश करने पर 20 रुपए एंट्री फीस ली जा रही है। पार्क में घूमने वाले पर्यटकों ने इस नई व्यवस्था का भी स्वागत किया है। पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोगों ने टिकट लेकर सिटी पार्क का दीदार किया। पेश है एक खास रिपोर्ट। अपनी खूबसूरती और विशेष आकर्षण के दम पर जयपुर राइड्स और पर्यटकों की पहली पसंद बने सिटी पार्क में प्रवेश शुल्क की व्यवस्था शुरू की गई है। पहले दिन बड़ी संख्या में लोगों ने टिकट लेकर सिटी पार्क के दीदार किए। हालांकि सुबह 6 से 9 बजे तक पार्क में वॉक करने वाले लोगों से किसी तरह का प्रवेश और पार्किंग शुल्क नहीं लिया जा रहा, तो वहीं 12 वर्ष तक के बच्चों को भी प्रवेश शुल्क से मुक्त रखा गया है। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि सिटी पार्क में आगंतुकों को विश्व स्तरीय सुविधा देने के लिए एंट्री फीस की नई व्यवस्था शुरू की गई है। इन पैसों का पार्क के रखरखाव और अधिक सुंदर बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। सिटी पार्क का बेहतर रखरखाव हो सके और वहाँ आने वाले आगंतुकों को वही विश्व स्तरीय सुविधाएं निरंतर रूप से उपलब्ध हो सकें, इसको दृष्टिगत रखते हुए सिटी पार्क में आज से आगंतुकों के प्रवेश शुल्क की व्यवस्था की गई है। साथ ही वहाँ जो पार्किंग एरियाज डेवलप किए गए हैं उसमें जो व्हीकल पार्क होंगे उनके लिए भी एक बहुत ही नॉमिनल शुल्क निर्धारित किया गया है। जो लोग आएंगे उनसे 20 रुपया प्रति व्यक्ति चार्ज किया जाएगा और जो वाहन वहाँ पार्क होंगे दुपहिया वाहन से 20 रुपया और चौपहिया वाहन से 50 रुपया लिए जाएंगे। एक ख़ास तौर पर जो सुबह मॉर्निंग वॉकर्स आते हैं उनके लिए उनकी सुविधा के लिए ध्यान रखा गया है कि सुबह 6 से 9 बजे कोई शुल्क नहीं रखा गया है और वो मॉर्निंग वॉकर्स जो हैं वो उसमें निःशुल्क जा सकेंगे, अपना भ्रमण कर सकेंगे और फिर वो चाहे 10 बजे बाहर आते हैं 10:30 बाहर आते हैं उनसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। इसी तरह सुबह पार्किंग भी फ्री है। साथ ही जो 12 वर्ष तक की उम्र के बच्चे हैं उनसे भी कोई शुल्क नहीं रखा गया है और इससे जो पैसा आएगा वो इसकी जो नियमित साफ़ सफाई है और जो यहाँ पे सीजनल फ्लावरिंग है और जो यहाँ पे वाटर बॉडीज़ हैं उनके मेंटेनेंस को हम और अच्छे ढंग से कर पाएंगे। सिटी पार्क में आगंतुकों के लिए हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा के निर्देश के बाद टिकट खिड़की पर QR कोड के जरिए कैशलेस पेमेंट करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही हाउसिंग बोर्ड ने लोगों को घर बैठे टिकट बुक करने की सुविधा भी दी है। पार्क में घूमने आने वाले पर्यटक सिटी पार्क RHB मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन बुक किए गए टिकट का QR कोड दिखाने के बाद सिटी पार्क में प्रवेश मिलेगा। वहीं इवनिंग वॉक करने वाले लोगों के लिए हाउसिंग बोर्ड ने खास ध्यान रखा है। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि सिटी पार्क में इवनिंग वॉक करने वालों के लिए सिर्फ 999 रुपए में वार्षिक पास की सुविधा दी जा रही है। टिकट विंडो से फॉर्म लेकर आसानी से लोग अपना वार्षिक पास बनवा सकते हैं। वहीं ऑनलाइन ऐप से भी वार्षिक पास बनवा सकते हैं। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर ने बताया कि पार्क में आने वाले 2-व्हीलर और 4-व्हीलर वाहनों की पार्किंग के लिए भी दरें निर्धारित हैं। उन्होंने बताया कि 2-व्हीलर के लिए अधिकतम 3 घंटे 20 रुपए और 4-व्हीलर के लिए अधिकतम 3 घंटे 50 रुपए पार्किंग शुल्क निर्धारित किया गया है। सिटी पार्क में प्री वेडिंग शूट के लिए लोगों को 10,000 रुपए प्रतिदिन चार्ज देना होगा। वहीं 50,000 रुपए प्रतिदिन की दर से फिल्म या सीरियल्स की शूटिंग की जा सकती है। ऐसा देखने में आया कि बहुत सारे लोग शाम के समय भी वॉक करते हैं, हालांकि उनका नंबर कम है, मॉर्निंग वॉकर्स ज़्यादा हैं। तो शाम के समय जो वॉक करते हैं उस समय हम चूंकि ये पहचान नहीं कर सकते कि कौन पर्यटक है कौन केवल वॉक करने की दृष्टि से आया है, इसलिए बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पे प्रतिदिन लगभग 2.5-3 रुपये की लागत पे 999 रुपये में ईयरली पास की व्यवस्था शुरू की गई है। वहीं जो टिकट विंडो बने हुए हैं और जो सिटी पार्क ऑफिस है वहीं पे फॉर्म उपलब्ध हैं, ऑनलाइन भी ये सुविधा उपलब्ध है। यदि कोई व्यक्ति वहाँ फॉर्म भर के टिकट विंडो पे दे देता है और 999 रुपये का भुगतान कर देता है तो उसको ईयरली पास मिल जाएगा और फिर उसको रोज कोई टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है। सिटी पार्क की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सोशल मीडिया पर सिटी पार्क की तुलना विदेशी पार्कों से की जाने लगी है। सिर्फ वीकेंड ही नहीं बल्कि हर दिन सुबह से शाम तक पार्क देखने और घूमने वाले लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। सिटी पार्क की इसी लोकप्रियता और खूबसूरती को बनाए रखने के लिए हाउसिंग बोर्ड ने प्रवेश शुल्क लेने का फैसला लिया है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।